क्रांति किए बगैर शांति नहीं होती। अंत कब होता है? क्रांति अंत कब हो है? क्रांति होती है तो संपूर्ण शांति होती है, और संपूर्ण क्रांति कोई कर भी नहीं सकते। ये बाप ही रास्ता बताते हैं संपूर्ण क्रांति का। इसलिए झंडे में लाल रंग
संपूर्ण क्रांति का दिखाया गया है, जो संपूर्ण क्रांति बाप और बाप के बच्चे ही करते हैं। बाप कहते हैं गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या महावारी महाभारत युद्ध से जो पसार होंगे वो ही स्वर्ग के गेट खोलेंगे, बाकी पूछड़ी दबा के भागने वाले क्या करेंगे, नरक बना देंगे स्वर्ग बना देंगे, और ही नरक बना देंगे। और जोर से बोलिए, जो आत्मा रूपी बीज 83 जन्म अपने धर्म के पक्के बन करके रहे हो और आखिरी जन्म में माया की चपेट में आ जावे थोड़े समय के लिए, तो उनको कौन से धर्म का कहा जाएगा? है जो आत्मा रूपी बीज 83 जन्म अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के बन करके रहे, कोई धर्म में कन्वर्ट न हो और अंतिम जन्म में माया उनको पछाड़ देती हो थोड़े समय के लिए, तो उनको कौन से धर्म की आत्मा कहा जाएगा? जैसे इस्लाम धर्म का जो आधार मूर्त है वो तो द्वापर युग आते ही शुरू होते ही कहाँ चला जाता है, माया की नगरी शुरू होते ही पहले ही जन्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? देवी देवता सनातन धर्म का कड़े से कड़ा दुश्मन कहेंगे या दोस्त कहेंगे? है दुश्मन कहेंगे, बड़े से बड़ा कड़े से कड़ा धर्म है वो दुश्मन है, काम विकार, तो पहले ही जन्म में अपना रास्ता टटोल लेता है चला जाता है। और जो आखिरी जन्म तक मरते दम तक संघर्ष करते रहे और अंत में जाकर के माया उनको पछाड़ दे, तो उनको कौन से धर्म का कहेंगे? बताओ है लड़ते लड़ते जो युद्ध भूमि में शरीर छोड़ दे, पीठ दिखा करके न भाग जाए, उसको कौन सा धर्म का कहेंगे? कन्वर्टेड होने वाला कहेंगे या अपने धर्म का पक्का कहेंगे? धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। और हाँ अच्छे गुणों की धारणा, बुलाने से बाबा को कुछ बाबा को तकलीफ होता है? बाबा को किस लिए तकलीफ होता है? हैं? बाबा को कुछ भी नुकसान नहीं देता है, उसका विरोधी लोग रहता है, उन लोगों से बाबा को तकलीफ नहीं देता। क्यों बाबा को क्यों तकलीफ होगा? कोई कुछ संदेश देंगे कि बाप आया हुआ है सारी मनुष्य शक्ति का, सर्व आत्माओं का बाप आया हुआ है, तो इससे बाप को तकलीफ क्यों होगी? विरोधी लोग सुन करके बाबा को तकलीफ देंगे? माना माना कोई को बाप का एड्रेस दे देने से मान लेंगे?
कोई को बाप का एड्रेस देंगे कि इस स्थान पर इस नाम रूप से इस व्यक्तित्व में ऐसे ऐसे आया हुआ है तो कोई मान लेंगे क्या? ये आंखों से देखने और कानों से सुनने की चीज है क्या? ये अनुभव कराना है, तीसरा नेत्र खोलना है। ऐसे नहीं कोई को कह दिया भगवान बाप आया हुआ है और 100-200 के नोट पकड़ा दिए, जाओ देख के आओ, तो उससे बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी क्या? ऐसे ढोल पीटने वाले कितने होते हैं? और कोर्स कराने वाला है वो तो अपनी शक्ति अनुसार फोर्स भरता है। जिस बुद्धि रूपी धरणी में फोर्स भरा गया, ज्ञान का बीज डाला गया, अगर वो धरणी इस योग्य नहीं है तो फल तुरंत भी देगी या बाद में भी दे सकती है? वो धरणी बाद में भी फल दे सकती है। इसमें ज्ञान सुनाने वाले का क्या कसूर? हाँ, कुछ ऐसी बातें सुना दी हैं ज्ञान सुनाते समय जो नहीं सुनाना चाहिए तो हो सकता है कि पाप का भागीदार बन जावे। शांति देवा और सुख देवा दोनों एक ही साथ प्रत्यक्ष के साथ हैं। शांति देवा और सुख देवा बड़ा कौन है? शांति देने वाला बड़ा है या सुखदेव बड़ा है? पहले शांति आवेगी तब ही सुख आवेगा। शांति धाम का वासी न बना और कोई कहे हम डायरेक्ट सुखधाम वासी बन जाएंगे तो कैसे बनेगा? और शांति देवा है कौन सा देवता? शिव बाबा। और सुखदेवा है विष्णु। और चार भुजाएं हैं, तीन का इतना तमो प्रदान होता नहीं। कृष्ण की आत्मा और वैष्णवी देवी और जगदम्बा को तो खाना पीना था, बट लेकिन ओमराज है मम्मा का जब ज्ञान के आज आने के पहले इतना दरिद्र था ऐसे टीके में बोला था। कैसे क्या बोला था? वो खाना पीना का एकदम गरीब था। हाँ, कैसे ये कृष्णा आत्मा उतना तमाम प्रदान नहीं बनता फिर भी ओमराज को उतना अंतिम जन्म में आई थे। ब्रह्मा की सोल जो प्राप्ति करती है वो सतगुरु में प्राप्ति करेगी। कहाँ प्राप्ति करेगी? सतगुरु में प्राप्ति करेगी। और मम्मा की सोल जो वैसे भी शक्ति बनती है वो कहाँ विशेष प्राप्ति कर लेती है? संगम युग में ही वैष्णवी में प्रवेश करके छोटी माँ के रूप में पार्ट बजाती है।
जिसको कहते हैं भारत माता शिव शक्ति अवतार, तो ज्यादा सुख मम्मा की आत्मा ने भोगा, ओम राधे मम्मा ने भोगा, या कृष्ण की आत्मा भोगती है? जो जास्ती सुख भोगेगा वो जास्ती दुख भी भोगेगा। और हाँ बाबा, रुद्राक्ष में अनेक मुख दिखाते हैं। हाँ जी, एक मुख बात करना है। हर एक रुद्राक्ष में बहुत मुख नहीं दिखाते, एक मुख वाला भी है, चार पांच वाला भी है। हाँ, कोई कोई बहुत मुख वाले होते हैं और कोई एक मुख वाले भी होते हैं। तो जो चार पांच मुख वाला होता है, ज्यादा मुख वाले जो होते हैं, उसमें एक को बाप दादा कहना है, है? एक मुख वाले को बाप दादा कहा है, मतलब जो चार पांच मुख रहता है उसमें एक बाप दादा ऐसा नहीं, नहीं सिर्फ एक जो दो दो सोल प्रवेश कर जाए तो बुद्ध रूपी धरणी श्रेष्ठ कहेंगे या निष्कर्ष कहेंगे? हाँ, और रोग से भी पाप कट जाते हैं, रोग से भी पाप कट जाते हैं, कटते हैं। हम दवाई वाई कुछ लेके रोग मिटाए तो पाप ऐसे ही रह जाएंगे? ये अहंकार नहीं करने चाहिए कि हम बड़े योगी हैं, हम योग से ही सारे पाप भस्म कर देंगे। क्या अहंकार करने से भस्म हो जाएंगे क्या? इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे में इतना योग तो नहीं है अभी, तो क्या जो दवाइयां हैं उनका आसरा लेना भी बंद कर दें? हाँ, तो बैलेंस से रहना चाहिए ना। दवाई से ही खत्म हो जाए, दवाई से ही अगर खत्म हो जाते तो 63 जन्मों में बड़े अच्छे अच्छे वैद्य हुए। दवाई नहीं लेंगे तो दुख में परेशान होते रहेंगे, बाप की याद आएगी नहीं, जो पुरुषार्थ करेंगे उससे भी रह जावेंगे। इसलिए जो प्रयत्न करता है, लगा रहता है, लगनशील होता है, उसकी बीमारी बाबा ठीक करा देते हैं या ड्रामा ठीक करा देता है। दृढ़ निश्चय से विजय होती है। कोई हिम्मत हार के बैठ जाए, जब संपूर्ण बनेंगे तब बीमारी भी हमारी ठीक हो जाएगी। फिर तो जब भूख लगे तो फिर यही समझ के बैठ जाओ, जब संपन्न होंगे तो भूख लगना बंद हो जाएगी। और बीके वाले शाम में भी अमृत वेला है बोलते हैं, शाम 5-6 बजे अमृत वेला बोलते हैं वो, ठीक है? वो भी अमृत वेला है क्या? नुमा शाम कहते हैं, जब शाम होती है तो सूरज कौन सी दिशा में चला जाता है? है पश्चिम में चला जाता है, पश्चिम में सूर्य उदय नहीं होता, पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। और ये सूर्यास्त की यादगार कहाँ दिखाई हुई है? माउंट आबू में दिखाई हुई है। माने सूर्यास्त के समय जिसको ऊंच पद की प्राप्ति हो गई हो वो क्या समझेगा? ये हमारा अमृत वेला हो गया। अब बताओ ये फाउंडेशन कहाँ पड़ा और कौन सी धर्म की आत्मा में पड़ा? हैं? इस्लाम धर्म की आत्मा में ये फाउंडेशन पड़ा कि शाम को भी अमृत वेला होता है तो प्राप्ति हो जाती है, ऊंच पद मान मर्तबा मिल जाता है। मुरली में भी बोला हुआ है,
यानी सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी किसकी होती है? कुमारिका की। और दूसरी मुरली में बोला है इस दुनिया में जिनकी बहुत खातरी होती है, जिनका बहुत मान मर्तबा है, उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो शाम के समय की प्राप्ति ज्यादा अच्छी है या अमृत वेले की प्राप्ति ज्यादा अच्छी है? अमृत वेले की ज्यादा अच्छी है। बाकी बीके वाले शाम को नुमा सुमा मानते हैं, तो बीके वालों का जो वर्तमान समय चल रहा है वो इस्लामियों को फॉलो करने का चल रहा है या देवता धर्म के वालों को फॉलो करने का चल रहा है? यथा राजा तथा प्रजा होती है। ये समय भी पलटा खा जाएगा। हाँ वो प्रैक्टिकल जीवन में किसको फॉलो करती थी? ब्रह्मा की बुद्धि में बैठा है तो जिसको फॉलो करती थी उसके ही बुद्धि में ये नहीं बैठा तो फॉलो करने वाले की बुद्धि में बैठ जाएगा? हाँ, तीखा पुरुषार्थी था इसीलिए तो वो छोटी मम्मा में प्रवेश करके प्राप्ति कर लेती है। पालना का जो भाग्य है वो कृष्ण की आत्मा को नहीं मिलता, किसको मिलता है? मम्मा को फिर भी मिलता है। अभी कृष्ण की पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, प्रवेश होकर के। हाँ हाँ, कृष्ण की आत्मा में पढ़ाई पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो पालना भी लेना हो गया। पालना लेने वाला बनेगा कि देने वाला बनेगा? फिर और नींद करने से आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, तो एक महीना जग करके देखो। बाबा भी कहते हैं निद्रा जीत बनो है? ये नियम नहीं है। नियम ये है कि जब थकान हो जाती है तो थकने के बाद नींद करने से आत्मा को शक्ति प्राप्त हो जाती है, कि उल्टी बात है? हैं? हाँ, उल्टी बात नहीं बोलना है। ज्यादा से ज्यादा नींद करते हैं। अति हर चीज की बुरी होती है, अति सर्वत्र वर्जते। निद्रा ज्यादा करेंगे तो वातावरण कैसा बनेगा? निद्रा 4-5 घंटे की हो जाए और सॉलिड नींद आ जाए, ना स्वप्न वाली नींद हो, ना गंदे स्वप्न वाली नींद हो, ना घर्राटे वाली नींद हो, वो ज्यादा अच्छा? या लंबे समय तक सोते रहें और बुरे बुरे स्वप्न देखते रहें वो अच्छा है? सात्विक नींद ज्यादा अच्छा है, भले गहरी नींद हो थोड़े समय की। और भाई भाई करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, भाई भाई बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन मना करेगा? नहीं करना चाहिए, वो टेस्ट पहुँचना है। हाँ, पहुँचना है। पहुँचने के लिए उपाय क्या है? पहुँचने के लिए उपाय यही है कि बिंदु देखो अपने को और दूसरों को भी बिंदु देखो। ना अपने देह के रूप को देखो और ना दूसरों का देह का रूप दिखाई दे। इतनी प्रैक्टिस पक्की हो कि जैसे ही नजर जाए
तो आत्मा के ऊपर नजर जाए, देह देखने में ही ना आए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास करते करते ये अभ्यास इतना पक्का हो जाएगा कि देह दिखाई देगी ही नहीं। और फर्स्ट क्लास क्या फर्स्ट क्लास रचना हाँ स्त्री होती है फर्स्ट रचना। जो जगदम्बा है वो फर्स्ट रचना है, और जो फर्स्ट रचना है सृष्टि की उससे जो रचना पैदा होगी वो भी फर्स्ट होगी या सेकंड होगी? हैं? सेकंड होगी। हाँ फर्स्ट रचना से फर्स्ट क्लास रचना पैदा होगी। तो कृष्ण बच्चा पैदा हुआ फर्स्ट रचना से। कृष्ण कौन सा बच्चा पैदा होता है? फर्स्ट रचना। लेकिन वो फर्स्ट रचना और फर्स्ट क्लास रचना जिसको हम कहते हैं वो गुप्त है या प्रत्यक्ष है? है? हाँ अगर गुप्त है तो छुपा रुस्तम बाद में खुले या पहले खुले? बाद में खुलेगा। भारत माता से शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। हाँ ये ब्रह्मा ही जगदम्बा है। ठीक है ये ब्रह्मा ही जगदम्बा का पाठ बजाएगा। हाँ तो ये जगदम्बा का आत्मा कौन सा पाठ बजाएगा? डब्बे का। डब्बे का तो कोई पाठ नहीं है। हाँ उनका माने डब्बा का कोई पाठ नहीं। प्रजापिता डब्बा है और शिव बाप उसमें प्रवेश करने वाला आत्माओं का बाप है। तो प्रजापिता कोई आत्मा ही नहीं है। होता है तो ऐसे ही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली है और जिसमें प्रवेश करके पार्ट बजाती है वो डब्बा है। उनका मान मर्तबा कैसे डिसाइड होता है? किनका? वो जो डब्बा बुद्धि होते हैं वो उस डब्बे को मान मर्तबा देते हैं। जगदम्बा को सारी दुनिया अंत में मान मर्तबा देने के लिए बाध्य होगी या नहीं होगी? बाध्य हो जाएगी। जानेगी कि बेसिक नॉलेज के जो सरपरस्त हुए हैं दीदी दादी दादा हैं वो उतनी बड़ी पालना नहीं कर पाए और जगदम्बा सारे जगत की पालना करने वाली बनती है। तो सारी गोवर्धन पर्वत कौन सी उंगली पर उठाया जाता है? इस पे उठाया जाता है? है नहीं इस पे क्यों उठाया जाता है? है क्यों उठाया गया सबसे छोटी उंगली पर? कनिष्ठिका कनिष्ठ नाम दिया गया। उंगली तो है सहयोगिनी तो है लेकिन कैसी सहयोग नहीं सकती है? कनिष्ठ नीचे की कम शक्ति वाली विशाल शक्तिशाली नहीं है। ऐसी छोटी सी उंगली भी उस दुनियावी पहाड़ को उठाए देती है जिसकी संख्या कितनी होगी? 16108 का परिवार होगा। वो नई दुनिया का फाउंडेशन होगा। नई दुनिया की जो राजधानी स्थापन होगी उस राजधानी में कितने होंगे? 16108 होंगे। उनकी पालना करने वाली कौन होगी? वो कनिष्ठिका उंगली होगी। उसके नीचे सारे ही शेल्टर का अनुभव करेंगे जिनको कहा जाता है ब्रजवासी।
9,16,108 हाथ में उस विनाश की विभीषिका के बीच अपने को सुरक्षित अनुभव करेंगी। तो जो गौवर्धन पहाड़ दिखाया गया है वो पहाड़ है गौओं की वृद्धि करने का पहाड़। उनकी पालना के लिए वो कनिष्ठ का अंगुली दिखाई गई है। और अभी तो बताया हनुमान शाम का टाइम, सवेरे को तो जगना हो नहीं पाता है क्योंकि तमो प्रधानता बहुत बढ़ गई। 63 जन्म तो पाप किए थे, वो तो एक जना एक गुना पाप चढ़ता था। अभी संगम युग में जो दुख देने का पाप करते हैं तो कितना पाप चढ़ता है, 100 गुना पाप रोज चढ़ता रहता है और पता नहीं कितनी बार चलता है। तो संगम युग में जब इतना 100 गुना पाप का वो चढ़ता रहता है तो सवेरे को नींद खुलेगी है? नहीं खुलेगी। तो सवेरे को न सही तो कम से कम शाम को ही अमृत वेला स्थूल का काय के लिए तो क्या हुआ, हमें उसी टाइम में सुख मिलता है। बेहद में ही तो बता रहे हैं और क्या, हद में बता रहे। जिन आत्माओं ने ब्राह्मणों की संगमिक दुनिया में कंट्रोलिंग पावर नुमा शाम के समय ले ली, उनके लिए अमृत वेला कौन सा हुआ? सतयुग त्रेता में तो दास दासी बनती रहेंगी। तो उनकी स्टेज उनकी कब बनेगी? द्वापर आदि में उनकी स्टेज बनेगी। तो हर एक का अमृत वेला अपने अपने कर्मों के आधार पर नुदा हुआ है। जब जागे तब भोर, क्या कहा, जब जगे तो सवेरा। और बाबा खरड़ा मुरली रजिस्टर बनाने के लिए कहा है, खरड़ा मुरली रजिस्टर बनाने के लिए कहा है। किसने कहा है? लाइब्रेरी बनाने के लिए कहा। किसी ने पूछा होगा तो कह दिया होगा। कोई पूछते हैं बाबा शादी करें तो बाबा कहते हैं हाँ बच्चे शादी करो। लोगों को हिंदी सिखाने के लिए कन्नड़ा मुरली का भी रजिस्टर बना लो ताकि लोग हिंदी सीख जाएं। फिर शादी करने वाले शादी कर लेते हैं, फिर जो पीछे से पुछल्ला लगा दिया क्या बच्चे पवित्र रह करके दिखाओ। बाबा तो चाहते हैं कोई ऐसा बच्चा निकले जो शादी करे और क्या करके दिखावे, पवित्र बन करके दिखावे, ये चैलेंज उठा के दिखावे। फिर कितने निकलते हैं है? वो शादी करके पवित्र बनते हैं है? बोलो, नहीं निकलते। अरे शादी करके पवित्र बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। एक बाप के साथ शादी करते हैं, विभिचारी नहीं बनते हैं। तो फिर कहते हैं कि बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, बाबा ने अपने आप डायरेक्शन दिया या पूछने पर दिया? अरे ऐसी बात पूछना ही क्यों जिसमें कमजोरी भरी हुई हो। और बाप आए हैं क्या लक्ष्य दे करके, एक धर्म एक राज्य एक भाषा स्थापन करने के लिए। तो मना नहीं करते हैं
कि और भाषाएं नहीं सीखना है, और भाषाएं सीखना है, बच्चों को अनेक भाषाएं सीखना है, लेकिन ये भी बुद्धि में रहे कि लक्ष्य क्या दिया हुआ है, एक भाषा स्थापन करने का लक्ष्य दिया हुआ है। जिन आत्माओं को भी उठाएं उनमें एक भाषा का फाउंडेशन पड़ जाए, बाप के बच्चे बनकर दिखाएं, बाप का बच्चा हो और भाषा माँ बाप की न बोल पाता हो, बच्चा बड़ा हो जावे और भाषा ना आती हो, तो मातृभाषा वाला बच्चा कहेंगे है? कहेंगे ही नहीं। हमारा लक्ष्य स्वदेशी बनाने का है या विदेशी बनाने का है? स्वदेशी बनाने का है। और करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्य की बात है, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, भाव ऊंचा होना चाहिए। और सच्ची में तो प्रकृति से प्रकृति सभी ये मुहैया करेगा, और वो आत्मनारायण क्यों करता रहता है राम से? वो सतयुग की बात है या शूटिंग की बात है? सतयुग में कोई थोड़ा ही दास दासी होता है, न वहाँ कर्जा लेने की बात है, ये तो यहाँ की बात है जो बाबा ने बताई। और आदि का मूल्य में बताया है, आदि आदि होते हैं आठ से, नई दुनिया की जो आदि होगी, नई दुनिया की शुरुआत होगी, वो संपन्न आत्माओं के द्वारा होगी या जिनमें कुछ कमी होगी जो सजा खाने वाली होंगी उनसे होगी है? अगर नई फैमिली जो स्थापन होगी, नई दुनिया की जो नई राजधानी स्थापन होगी, कैपिटल बनेगी, उस कैपिटल में अगर 1% भी कमजोर आत्मा आ गई तो रिजल्ट क्या होगा? तो फाउंडेशन ही गलत पड़ गया, फिर वो 2500 साल कैसे चलेगा? इसलिए उस फैमिली में सूर्यवंश के अलावा और कोई भी वंश की आत्मा न हो। और नहीं, आठ से शुरू होंगी है तो सारी दुनिया खलास हो जाए, खलास हो जाएंगे। ठीक है, तो सारी दुनिया खलास हो जाने का मतलब क्या हुआ? पहले ब्राह्मणों की दुनिया खलास हो जाएगी कि पहले बाहर की दुनिया खलास हो जाएगी? मैंने आठ छोड़ करके सब ज्ञान छोड़ के चले जाएंगे थोड़ा समय के। ज्ञान प्रैक्टिकल देखा जाता है या सिर्फ बोलने सुनाने और समझाने के लिए देखा जाता है? तो प्रैक्टिकल जीवन आठ का होगा, जो ज्ञान में आने मात्र से ही बाहर की दुनिया से आप मुए मर गई दुनिया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो चुप क्यों हो गए? आठ का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया क्या है? इतना मायूस होने की क्या बात है? है? अभी लेट का बोर्ड लगा है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या अच्छा 16108 नहीं हो गए? बाप के दिल में 9 लाख नहीं हो गए? सूर्यवंशी माना बाबा, कैसे चल रहा है? सूर्यवंशी माना क्या? कैसे चल रहा है? जो गधे के पीछे पीछे चलते हो।
बता तो रहे हैं। और रावण के सर के ऊपर गधा दिखाते हैं ना, उस गधे के पीछे पीछे चले कोई सूर्यवंशी नहीं, जो सिर्फ सूर्य को फॉलो करें और कोई को फॉलो नहीं करें। डांटेंगे तो डट जाना चाहिए, फिर शिकायत आएगी। डांटने का डर है ना, तभी तो शिकायत है। और शिकायत कौन करेगा है? नहीं, जिसको डर होगा वो शिकायत करेगा या दूसरा करेगा? हाँ, और बाबा सीढ़ी में बाबा ने कहा है सृष्टि, ब्रह्मा ने सृष्टि तीन बार रची और बिगाड़ा, चौथी बार कठिन हो गया सतो प्रदान। हाँ, इसके बारे में थोड़ा क्यों शूटिंग की जानकारी दी नहीं है? जो वैश्यवाणी की शूटिंग होती है उस शूटिंग पीरियड में वैश्यवाणी की अंतिम आत्मा सबसे नीचे स्टेज में पहुंचती है, या शूद्रवाणी की शूटिंग के समय शूद्रवाणी की अंतिम आत्मा सबसे नीचे स्टेज में पहुंचती है? वैश्यवाणी की आत्मा सबसे नीचे स्टेज में पहुंच जाती है। जो शूद्रवाणी की शूटिंग होती है उसमें शूद्रवाणी की जो अंतिम लास्ट तो फर्स्ट आत्मा है वो सबसे नीचे स्टेज में पहुंचती है, तभी संपन्न आहुति हो सकती है। कोई कहे द्वापर के अंत में, रजो प्रधानता के अंत में नई दुनिया बन जाए, पुराना मकान टूट जाए, नई की स्थापना हो जाए, ऐसा होगा? हो ही नहीं सकता। जब तक अति ना आए तब तक अंत नहीं आ सकता। जो अव्वल नंबर का सूत्र बना वो ही लास्ट नंबर का सूत्र बने, उससे ज्यादा कोई सूत्र बन ही न सके। जब तक ऐसी स्टेज ना आए तब तक नई दुनिया की स्थापना हो ही नहीं सकती। अरे पहला ब्राह्मण कौन, पहला ब्राह्मण तो पहला देवता कौन, पहला क्षत्रिय कौन, पहला वैश्य कौन, पहला शूद्र कौन? जो पहला शूद्र तो पहला ब्राह्मण बनेगा, तभी तो नई दुनिया बनेगी। माना बाप है तो सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रियों और वैश्यों का ही बाप है या शूद्रों का भी बाप है? तो शूद्रों का कल्याण किए बगैर वापस चला जाएगा क्या? तो शूद्रवंशी आत्माएं उनकी शूटिंग नहीं होनी चाहिए? हाँ, और बाबा पहला शूद्र है कौन सी आत्मा, कौन सी होगी बाबा? हाँ, पहला शूद्र हाँ कौन सी होगी? पहला ब्राह्मण कौन सा होगा? बाप है। बाप है, फिर पहला देवता कौन होगा? वो भी बाप है, वो भी बाप है। तो फिर पहला वैश्य कौन होगा? वो भी। तो पहला शूद्र कौन होगा? वो भी। तो फिर नहीं दादा, हाँ वो पर्टिकुलर आत्मा, पर्टिकुलर आत्मा ही तो है, पर्टिकुलर पार्ट। हाँ, पर्टिकुलर पार्ट ही तो बताया। पहला ब्राह्मण कौन बनता है? कौन है बाप? आप? मैं तो नहीं हूँ पहला ब्राह्मण, मैं तो अभी भी शूद्र हूँ। है, हम तो नहीं मानते इस बात को, नहीं तो तुम्हें साबित करना पड़े। हम मानते हैं ना। तो, है? जो बोल बोल करता रहे और रिजल्ट कुछ भी ना आए उसे शूद्र कहेंगे या ब्राह्मण कहेंगे? है, वो तो शूद्र है, हम तो शूद्रों की लिस्ट में है। नहीं। रोज चिल्लाते रहते हैं और चिल्लाने का असर
कुछ भी नहीं होता। इतना सारे धंधे है ना आपका, क्या इतना सारे सारे विश्व के संसार है ना? क्या सारे विश्व का संसार तुम्हारे सामने भी है तो हमारे सामने भी है। हाँ क्या कह रहे थे आप? माता कोई बोल रही थी? आत्मिक स्टेज और नष्ट मोह, जिसकी आत्मिक स्टेज बन जाएगी, आत्मा अपने को सदाकालीन समझने लगेगा, तो उसको दुनिया, दुनिया के पांच तत्व, पांच तत्वों से बने देह, देह के पदार्थ याद आएंगे याद ही नहीं आएंगे? याद आते हैं माने अटैचमेंट है, अटैचमेंट है माने याद आ रहा है, तो आत्मिक स्थिति तो नहीं है। वो पांच तत्व खींच रहे हैं माने लगाव है, कोई ना कोई देह के संबंधी में लगाव है, देह के पदार्थ में लगाव जरूर है, नहीं तो याद क्यों आएगा? इसकी निशानी भी है, जिसका दुनिया में कोई चीज में, कोई वस्तु में, कोई देहधारी में लगाव नहीं होगा, उसको ईश्वरीय सेवा के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या? ईश्वरीय सेवा के सिवाय और कुछ नहीं दिखाई देगा। और शुद्र वर्ण की शूटिंग होने के बाद हाँ, फिर बीज रूपी दुनिया में विनाश होगा। शुद्र वर्ण की शूटिंग जो है वो पहले किसकी होगी? शूद्र वाणी की शूटिंग का अंत पहले किसका होगा? अरे अंत का मतलब ही नहीं समझा। शूद्र वाणी एक होता है कलयुग के आदि का और एक होता है कलयुग के अंत का। तो कलयुग का अंत जब होगा तो पहले पहले शूद्र वाणी का अंत किसका होगा? इतनी बात नहीं आ रही समझ में? जो पहला शूद्र वो तो कलयुग के आदि में बना, कलयुग आदि की शूटिंग में बना पहला शूद्र, तो कलयुग अंत में जब बनेगा पहला शूद्र से ब्राह्मण, तो जो पहला ब्राह्मण बन जाएगा उसकी बुद्धि में शूद्र पने का अंत भी बैठ जाएगा। आप मुए मर गई दुनिया बिना शुरू, पहले बुद्धि से शुरुआत होगी। संचत्तर में क्या हुआ? संचत्तर में 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना कौन सी बुद्धि रूपी धरणी में हुई? बाप के लिए गाया हुआ है। हाँ तो अभी शूद्र का अंश का शूटिंग चल रहा है, मैंने अनुभव नहीं आ रहा है अभी है। जब ज्ञान में आए थे तब क्या स्टेज थी और अब क्या स्टेज है? बहुत पुरुषार्थ करने के बावजूद भी, बहुत चाहना रखने के बावजूद भी स्टेज क्या है अभी है? तामसी स्टेज है या सात्विक स्टेज है? जब ज्ञान में आए थे चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उस समय अमृत वेला सहज होता था या अब अमृत वेला सहज हो रहा है? तो पता नहीं लग रहा है। और
सब देवता प्रजापिता देवता सब शूद्र हो गया। प्रजापिता देवता कब शूद्र हो गया? प्रजापिता तो नाम ही है शूद्र का। प्रजापिता माना क्या? 500 करोड़ आत्माओं का, मनुष्य आत्माओं का पिता। तो 500 करोड़ भी जो मनुष्य आत्मा होगी वो शूद्र होगी या देवता होगी? तो प्रजापिता की स्टेज क्या हुई संगम युग में? ये तो कहता है, जाने क्या बोलता है। लेकिन वास्तव में प्रजापिता क्या हुआ? पतित से पतित हुआ या पावन से पावन हुआ? है पतित हुआ। पतित को क्या कहेंगे? शूद्र कहेंगे, ब्राह्मण कहेंगे, शूद्र कहेंगे। ये पता नहीं जाने क्या बोलता रहता है। हाँ, पतित से पतित बन गया तो फिर पावन से पावन भी बनेगा। वो गागा 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 क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। बाद की बात बाद में, अभी क्या है? अभी मुरली में बाबा बोलते हैं। अपने आप से पूछो, भ्रष्टाचार दुनिया के वासी भ्रष्टाचारी हैं या शिष्टाचारी दुनिया के वासी शिष्टाचारी देवता हैं? हम क्या हैं? पहले अपने आप से पूछो क्या है, हा? भ्रष्टाचारी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ, ऐसा मन में है। क्या पिता? हाँ, सब्जी का पतितों को पावन बनने वाला, पतितों को पाने पावन बनाने वाला शिव बाबा है या प्रजापिता है? हाँ, साकार में है, लेकिन उसमें साकारी पार्ट बजाने वाला, श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला, ऊंच पार्ट बजाने वाला, ऊंच से ऊंच बाप आत्माओं का बाप है या भ्रष्ट मनुष्यों का बाप है? अरे कौन है? आत्माओं का ऊंच से ऊंच बाप है, गॉड फादर है। अभी समानता है, अभी समानता है तो फिर याद में क्यों बैठता है? शंकर याद में बैठता है इसका मतलब क्या है? पतित है कि पावन है? हाँ, तो पावन नहीं है, पतित है। हाँ, और बाबा शंकर को पतित नहीं कहेंगे ना? है? शंकर को पतित नहीं कहेंगे ना? कौन नहीं कहेंगे? ऐसे मुनि, वो कौन है जो शंकर को पतित नहीं कहेंगे? ऐसे ही मुनि आए। अरे वो शंकर को मानने वाले होंगे, मान्यता देने वाले होंगे, वो नहीं कहेंगे या सारी दुनिया नहीं कहेगी? जो मान्यता देने वाले होंगे वो पतित नहीं कहेंगे। मुरली में बोला है जो जिसकी पूजा करते हैं वो उसी धर्म के हैं। क्राइस्ट की पूजा करते हैं तो क्राइस्ट को ऊंच मानेंगे या नीच मानेंगे? ऊंच मानेंगे। कोई का बाप शराबी, कबाबी, लुटेरा, खराब से खाम काम, खराब से खराब काम करने वाला हो तो उसका जो बच्चा होगा वो अपने को बाप का बच्चा नहीं कहेगा? है? कहेगा ना। फिर और रावण बनता है, राम रावण बनता है, कृष्ण कंस बनता है। जब सतो प्रधान होते हैं तब सब सच्चे होते हैं, जब तमो प्रधान दुनिया होती है तो सब सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं, हैं? सब सब झूठे होते हैं। सत्य की दुनिया, स्वर्ग की दुनिया मेरी है,
तो झूठ की दुनिया नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? हैं? तुम स्वर्ग की दुनिया के भी सरताज बनते हो और नरक की दुनिया के भी सरताज तुम बनते हो, झूठी बात है क्या? हैं? नहीं बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, सिर्फ देवात्मा बच्चों का ही बाप आया हुआ है या राक्षसों का भी बाप आया हुआ है? हैं? दोनों का बाप आया हुआ है। और अरे देवताओं की दुनिया हो चाहे राक्षसों की दुनिया हो, दोनों प्रकार की दुनिया का बीज एक है या दो है? एक ही बीज है। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? जो सत्युग में दास दासी बनता है। अच्छा, सत्युग के आदि में जो माया है, जो प्रकृति है, वो क्या बन जाती है? दास दासी बन जाती है। वो त्रेता के पहले जन्म में राजा बन जाती है? बन जाती है क्या? नहीं। आज के जन्मों में जो दास दासी बनते हैं वो अंतिम जन्म में जाकर के उनको ताज पतलून मिलता है। क्या 16108 की लिस्ट में तो आवेंगे, राजघराने में तो आवेंगे, लेकिन प्राप्ति में बहुत फर्क पड़ जाता है। कोई को आदि की प्राप्ति होती है और कोई को अंत की थोड़ी सी प्राप्ति होती है। त्रेता के अंत में जिनको राजाई मिलती है उनको खंडित राजाई मिलती है, या जिस राजाई का गायन है वो राजाई मिलती है, खंडित राजाई मिलती है। और इस्लाम धर्म के जो बीज बैठते हैं तब से ही खंडित होना शुरू हो जाते हैं, ऐसा क्या? विचार का बीज जब से पनपता है, तब से ही तीव्र रूप से पतन होता है। द्वापर शुरू होने के पहले ही, थोड़ा समय पहले ही अर्धविनाश हो जाएगा। द्वापर और त्रेता की संधि में ही आधा विनाश होता है। जैसे कलयुग और सत्युग के आदि जो संगम होता है उसी में विनाश होता है, ऐसे ही त्रेता का अंत और द्वापर का आदि का जो संगम है उसमें आधा विनाश होता है। आधा विनाश होता है। हाँ, देवता ये सब निर्विकारी रहते हैं ना, वो धीरे धीरे विकारी बनना शुरू होते हैं संघ के रंग में आते आते। सब तो शुरू होता है। हाँ, फिर विनाश कहीं का होता है, क्यों मरना पड़ता है? इसीलिए कि जो विकार है वो शेष इंद्रियों से उतर करके कहाँ आ गया? ब्रष्ट इंद्रियों में आ गया, इसलिए आधा विनाश हो जाता है। ज्ञान इंद्रियों से उतर जाता है और देवान कहाँ बैठ जाता है? ब्रष्ट इंद्रियों में बैठ जाता है।
जैसे तराजू का पलड़ा होता है, जब तक बराबर है तो समानता है या असमानता है, और एक नीचा हो जाए एक ऊपर हो जाए तो क्या कहेंगे, असमानता हो गई। तो द्वापर के आदि और त्रेता के अंत काल में असमानता आ जाती है। ठीक है दादा, असमानता आ जाता है फिर भी सतो प्रधान बन गया ना, आत्माएं तो तमो प्रधान नहीं बनेंगे, फिर क्यों मरना पड़ता है? तमो प्रधान नहीं बनती है उससे क्या हुआ, लेकिन पाप की वृद्धि तो हो जाती है तेजी से। पाप की वृद्धि तो बाद में होता है ना? बाद में नहीं, द्वापर के आदि से ही पाप होना शुरू हो जाते हैं। देवान आया और पाप शुरू हुए। द्विविचार से देहभान तेजी से बढ़ता है। त्रेता के अंतिम जन्म के आदि में भी असमानता नहीं होती है, द्विविचार नहीं होता है। त्रेता का अंतिम जन्म और उसका अंत हुआ और असमानता की शुरुआत हो गई। जैसे पलड़े हों, तराजू के दो पलड़े, एक में थोड़ा भी वजन ज्यादा हो जाता है तो क्या होने लगता है, ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही त्रेता या त्रेता के अंतिम जन्म के आदि में बैलेंस बिगड़ता नहीं है पृथ्वी का, जैसे ही अंत हुआ वैसे ही पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाता है। हाँ, पूरा बैलेंस नहीं बिगड़ता है। महाराज, द्वापर का शुरू का 50-100 साल के अंदर ही आदि विनाश का होता है। हाँ जी, और तो वो आदि विनाश का शूटिंग यहाँ नहीं हुआ अभी। अच्छा, आदि विनाश की शूटिंग होती नहीं यहाँ? संगम में अभी हो गया वो टाइम अभी। माने बेसिक नॉलेज में आदि विनाश की शूटिंग नहीं हुई और एडवांस नॉलेज में भी आदि विनाश की शूटिंग नहीं हुई। मम्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो अर्धविनाश की शूटिंग हुई या नहीं हुई, उसकी निशानी क्या है? हाँ, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अनेक हाथों में वितरित हो जाती है। ऐसे ही एडवांस की दुनिया में 98 में जैसे ही बैलेंस बिगड़ा वैसे ही एडवांस में अनेक प्रकार की विष्णु पार्टियां शुरू हो गई। पहले धर्म सत्ता राज सत्ता एक ही हाथ में थी, पार्टी बाजी नहीं थी एडवांस में। और तिरुपति में 100 युगल है ना? हाँ, काय में तिरुपति के। हाँ जी, हाँ जी, 100 युगल में 5-5 मंगल सूत्र है, एक माता के लिए कौन सा है? हाँ, एक माता ने पूछा। हाँ, कोई बात नहीं, आप तो आए हैं। हाँ, तो दो जो दोनों पत्नियां हैं उन दोनों पत्नियों का पार्ट ध्रुव है या नहीं है? दोनों जो पत्नियां हैं उनका पार्ट निश्चित है या नहीं है? निश्चित है। जब दोनों द्रौपदियां हैं नंबर वार, तो दोनों को 5-5 मंगल सूत्र होने चाहिए कि नहीं? द्रौपदी को कितने पति थे? 5 पति थे। अच्छा, आकाश का अंत है? आकाश का अंत देखा? आकाश का तो अंत होता है। होता है, देखा? वो भी सुना कि आकाश का अंत नहीं है। कोई मनुष्य आकाश के अंत तक जा नहीं सका आज, कोई वैज्ञानिक जा सका? सूरज चांद सितारों का जो अंतिम छोर है, आकाश का जो अंतिम छोर है, 5 तत्वों वाला जो आकाश, उसके अंतिम छोर तक कोई जा सका? सूर्य को क्रॉस करके कोई जा सका? नहीं जा सका।
तो आकाश का ही अंत किसी को नहीं मिला है, परम धाम के अंत की बात क्या कर रहे हैं? वो बाबा ने बताया है। क्या बताया? ये जो दुनिया आकाश है जिसमें पांच तत्व पनप रहे हैं, जिसमें ये नौ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, इनका तो फिर भी अंत है, लेकिन सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार एक और लोक है जहां पांच तत्वों की पहुंच नहीं है, वहां पांच जड़ तत्व तो नहीं होते हैं, वो है परम धाम, वो सिर्फ आत्माओं का लोक है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व वहां नहीं है, पांच तत्वों से पार। आत्मा भी परम धाम का अंत नहीं दे सकते हैं? आत्मा भी परम धाम का अंत नहीं दे सकते हैं ना? जाती कैसे है परम धाम? अरे परम धाम आत्मा जाती है कि नहीं जाती है? फिर जाती है तो अंत, ये कैसे कहेंगे कि आत्मा परम धाम का अंत नहीं देख सकती है? लेकिन परम धाम भी वो अनंत है ना? तो क्या हुआ, अनंत है लेकिन उसमें आत्मा की जो स्टेज होगी उतनी स्टेज तक तो पहुंचेगी। कोई आत्मा जड़त्व में ही है और कोई आत्मा चैतन्यता से भरी पूरी है, तो दोनों आत्माओं के मुकाबले ज्यादा परे की स्टेज किसकी होगी? जो चैतन्यता की शक्ति जिसमें ज्यादा होगी वो ज्यादा पांच तत्वों से परे होकर रहेगी। परम धाम में भी सबसे जास्ती से जास्ती पांच तत्वों की परिधि से परे होकर कौन सी आत्मा रहती है? हैं? सदाशिव, और उसके बाद प्रजापिता, फिर नंबर बाद। तो चैतन्य आत्माएं जो भी हैं वो सब परमधाम तो जाती हैं, लेकिन परमधाम की अंतिम स्टेज को कोई क्रॉस नहीं कर सकती, वो सिर्फ एक शिव ही है जो आधिपत्य करने वाला है प्रत्येक आत्मा के ऊपर।